अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे बड़े कान वाला जानवर कौन सा होता है तो सबके मन में हाथी का नाम आता है, लेकिन ये शत प्रतिशत सही नहीं है। हालांकि इसमें भी दो राय नहीं है कि जमीन पर मौजूद जीवों में हाथी के कान सबसे बड़े होते हैं, लेकिन अगर बॉडी की तुलना में कान को नापा जाए तो चूहे की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जिसके कानों का आकार हाथी को इस मामले में पीछे छोड़ देता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि चूहे की कौन सी प्रजाति है और इसके कान क्यों और कैसे इतने लंबे होते हैं। तो बता दें कि चूहे जैसे दिखने वाले इस जीव का नाम है लॉन्ग ईयर्ड जरबोआ। ये चूहों की प्रजाति से ही संबंधित जीव है। आमतौर पर ये जीव चीन और मंगोलिया में पाए जाते हैं। ये जीव रात में घूमते हैं और भोजन में कीड़ों को खाते हैं। लॉन्ग ईयर जरबोआ के पूंछ को छोड़ दें तो इसकी पूरी लंबाई 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जबकि इसके कान 1.5 से 2 इंच यानी 3.8 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका साफ मतलब ये है कि उसके अपने शरीर की तुलना में उसके कान 40 से 50% लंबे होते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर इस जीव के इतने बड़े कान क्यों होते हैं। तो बता दें कि गर्म और सूखे इलाकों में रहने वाले स्तनधारी जीवों को गर्मी से निजात पाने के लिए ऐसे कान प्रकृति खुद देती है। इन जीवों में अफ्रीकन हाथी, फेरनेड लोमड़ी और लॉन्ग ईयर जरबोआ शामिल है। न्यूयॉर्क सिटी स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के जीव वैज्ञानिक मैरी एलेन होल्डेन ने कहा है कि ये जीव अपने कानों के जरिए गर्मी में खुद को ठंडा रखते हैं। मैरी एलेन होल्डेन के मुताबिक इनके कान बड़े और पतले होते हैं। इनके अंदर बेहद पतली खून की नलियां होती हैं। जब खून इनके कान की इन नलियों से बहता है तो वो सारी गर्मी इन कानों के जरिए बाहर रिलीज कर देता है। इससे इन जीवों का शरीर ठंडा रहता है। हाथी भी इसलिए गर्मियों में अपने कान ज़्यादा हिलाता है ताकि हवा में गर्मी छोड़ सके और अपने शरीर को ठंडा रख सके। मैरी कहती हैं कि ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि बड़े कान गर्म पर्यावरण वाले इलाकों में संबंधित हैं। अगर अफ्रीकन और एशियन हाथी को देखें तो अफ्रीका के हाथियों का कान बड़ा होता है, जबकि एशियन हाथी के कान छोटे होते हैं। एशियन हाथियों के कान उनके शरीर की तुलना में सिर्फ 8% लंबे होते हैं, जबकि अफ्रीकन हाथी के कान उसके शरीर की तुलना में 17% लंबे होते हैं। वहीं लॉन्ग ईयर्ड जरबोआ के अपने शरीर की तुलना में कान 40 से 50% लंबे होते हैं। ऐसे में जहां अफ्रीकन हाथी के कान दुनिया में मौजूद सभी जीवों के कान से बड़े हैं, लेकिन जब बात आती है शरीर के आकार में कान के बड़े होने का, तब एक छोटा सा चूहा इसमें बाजी मार लेता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दें और देखते रहें हमारा चैनल पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।